हमें कौन बचाएगा? बेटा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, बच रहा बवाल क्यों है, उठता ये दिमाग है। तारों की कमी सारी काम पर भी न हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सनीश है गाइस। आज मैं, दीदी और मेरे जीजू और जीजू की बहन, हम चारों मिलकर जाने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार, क्योंकि भाई हमारे दुख की कोई कमी नहीं है। इतने दुख है, इतने कम सुनाई देने लगा। डॉक्टर से पूछा क्यों कम सुनाई देता, तो डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई ठीक है, हमारे कभी तो सारी नशे ठीक है, पर्दे सही है, क्यों दे रहा है फिर कम सुनाई क्यों दे रहा है। तो उसके बाद हम भाई के दूसरी पत्नी लेकर आए थे, वो भी भाग गई। अभी एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें गले के लगी थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई, अभी बेड पर है। तो मतलब इतनी परेशानी आ रही है भाई, मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो 25-30 मिनट का वीडियो बन ही जाएगा। तो वो छोड़ते हैं और अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। तो हमारी 10:30 की ट्रेन है मरुधर एक्सप्रेस डेगाना से। जीजू उधर से आएंगे और मैं और दीदी इधर से जाएंगे डेगाना, और वहां से बैठकर हम सीधा जाने वाले हैं। तो चलो भाई चलते हैं। भाई जावा, बाय 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 मेरे भाई। हमने बालाजी सरकार की अर्जी भी लगाई थी, तो ये नारियल रखा हुआ है। हमने खुद के टिफिन विपिन ये सब ले लिए हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर भोजन भी तो करना पड़ेगा ना भाई। अब है जो है वो समान। यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारे गांव में आके खड़ी कर देंगे गाड़ी, बस में बैठ कर चलेंगे वहाँ। ठीक है मम्मी, बाय बाय। चलिए हमारे गांव के बालक से अनुमति लेने की जरूरी है, इसलिए हमारे गांव के मंदिर में आए हैं। तो थोड़ा दीदी का सिर दर्द हो रहा था, तो मैं लेकर आया हूँ यहाँ हॉस्पिटल। सुई वुई लगवाता हूँ, इसके इंजेक्शन लगवाता हूँ, फिर चलेंगे आगे। 3-4 इंजेक्शन लगा दीजिए होगा। 3 इंजेक्शन खिलाए इसको, 3 इंजेक्शन। तो गाइस अभी हम आए हैं भैया की दुकान, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ पर अपनी बस लगेगी, तो थोड़ी देर बाद तो उस बस में चलेंगे। तो हमारी बस आ चुकी है, देखो वो आजा दीदी भाई बस। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डेगाना। वो क्या है कि गाइस जो हमसे पहले पहुंच चुके हैं वो स्टेशन के अंदर हैं, तो चलो भाई उनको ढूंढते हैं मिलते हैं। तो ये है अपना पूरा डेगाना का स्टेशन। डेगाना स्टेशन से इसीलिए हम ट्रेन पकड़ रहे हैं, हमारी जुजू के गांव से भी पास पड़ता है और हमारे गांव से भी नियर बाय स्टेशन है, इसीलिए हम यहां से ट्रेन से चढ़ेंगे। हाय जुजू। हेलो जयश्री जी। ट्रेन आ गई लेकिन ये ट्रेन हमारी नहीं है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है मरुधर एक्सप्रेस, वो 10:30 यहाँ पर आने वाली थी डेगाना, जो कि अभी लेट हो गई, आधा घंटा लेट आएगी। तो सही है भाई, लेट ही आ जाए। तो हम यहाँ से जाएंगे आगरा, और आगरा से भी ट्रेन चेंज करेंगे, 6-7 घंटे लग जाएंगे आगरा जाने के, और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से सीधा छतरपुर। आगरा से छतरपुर की ट्रेन मिलेगी हमें। क्या है तो गाइस हम थोड़ा दौड़ा रहे हैं उनको, क्योंकि भाई डब्बा हाथ ही नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा। तो आओ आओ, वो है S2 और ये है S3, इसमें जाना है अपन को। आजो आजो, ये भाई हो गई अपनी ट्रेन रवाना। सो गाइस दोपहर की 12 बजने को आई है, हम सबको भूख लगी है, तो ट्रेन के डब्बे के यहाँ ऊपर आए हैं, अब यहाँ बैठ कर हम खाना खाएंगे जो हम घर से लेकर आए थे खाना। भाई देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर,
एकदम मैदान है भाई चारों तरफ, और इधर पानी है, मतलब नमक नमक बनता है भाई यहाँ पर। गाइस अभी हमारे सांबर लेक यहाँ पर इतना मनमोहन दृश्य है कि हम अपने आप को सीटों पर रोक ही नहीं पाए भाई। हम देखने के लिए आ गए, देखो एकदम मैदान है, कहीं पानी है, एकदम सफेद सफेद लग रहा है चारों तरफ, वहाँ पीछे से क्या पता नहीं। गाइस देखो उधर छोटी सी ट्रेन चल रही है, ट्रेन है क्या है वो। So guys, हम जयपुर आ चुके हैं, यहाँ पर क्या है कि ट्रेन भर रही है बहुत स्पीड से, तो हम क्या अपने सीटों पर जा रहे हैं। कितनी देर हम लोगों की सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन अब खुद की सीट पर जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं भरतपुर जंक्शन भाई, आगरा में आपका स्वागत। गाइस हम आगरा पहुंच चुके हैं, तो ये है आगरा का स्टेशन। गाइस एक बेड न्यूज है, जिस ट्रेन में हम अभी जाने वाले थे जो कि हमें आगरा से छतरपुर छोड़ने वाली थी सुबह तक, उसने हमारी टिकट बुक कराए हुए थे, तो वो टिकट पहले वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे और अब वो टिकट कैंसिल हो चुके हैं। तो देखते हैं यार क्या करते हैं, देखो वो टैक्सी के लिए एग्जस्ट करूँगी। गाइस ट्रेन टिकट तो कैंसिल हो गया, रिफंड हो रहे हैं पैसों का, स्लीपर बुक के टिकट बुक करा लिए। तो अब 9 बजे हमारी बस यहाँ से छतरपुर के लिए रवाना होगी। यहाँ पर मॉल है, हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं, मतलब मस्त तरीके से भीड़ हो रही है, देखो वाह, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इन चीजों को देखकर। तो पहले पेट पूजा फिर काम देखो। देखो भाई गेट खोलने के लिए बंदा, छाछ पीने का नया हुनर आ गया अपना। कुछ भी कहो गाइस, खाना वो टेस्टी था। देखो भाई गोला खाते खाते जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारी बस भी आ चुकी है, हमें 8:30 बजे की कहा गया था, अभी 2.5 घंटे हो गए हैं, 10 बजने को आई है, और अब आई है बस, तो बस में बैठते हैं चलते हैं। हमारे 2400 रुपये में स्लीपर के 2 टिकट बुक कराए हुए थे, लेकिन बस वाले ने हमें 1 ही सीट दी और कहा कि इसी में सो जाओ, अलग से सीट के लिए आपको अलग से पैसे और देने पड़ेंगे। हमने कहा भाई हमारे पास बिल है, इसने कहा कि हमारे पास 1200 रुपये आए हैं। तो 400 रुपये को देखो मैं नहीं दे पाऊंगा, 2400 रुपये लग गया है, 400 रुपये आपका ठीक है। अरे ये 3 का स्लीपर सीटा लिया, 2400 रुपये दिया। हमने इसको प्रेम से समझाने का प्रयास किया कि भाई मान जा हमने पैसे दिए, हमें सीटें दे दे, लेकिन ऐसे नहीं माना तो मुझे कैमरा चालू करना पड़ा। अब बोल एक्स्ट्रा रुपये की का ले होती है, बताओ एक्स्ट्रा रुपये की का काटो उसको। हाँ मुझे मालूम भाई, मैं जानता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा फिर, क्योंकि हमने पैसे कर रखे हैं वो फोन पे, वो हमारे पास वो है सबूत। थोड़ा कम बोलो। जब इसको पता चला कि यहाँ पर अपने दाल नहीं गलने वाली, बंदा एक तो एयरपोर्ट में है और एक मीडिया से है, तो हमारे घुटनों में आ गया, वे हमसे सॉरी बोलने लगा कि माफ कर दो, अब मैं बस अपने खर्चे पाने के लिए पैसे ले रहा था। तो ट्रेन के कंडक्टर से इतनी देर माथा फोड़ी कर रहे थे, अभी चैन की नींद सो रहे हैं, 2 ऊपर सो रहे हैं, 2 नीचे सो रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहे और हम अभी सो रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। चीज खास है अब है जो है वो समा है, तुम्हें बस तो रबा है, अब है जो है वो समा है। सो फाइनली गाइस सुबह की 8 बजने को आई है और हम अभी पहुंच चुके हैं छतरपुर। देख सकते हो ये मध्य प्रदेश की धरती है। के सफर के बाद हम पहुंचे हैं भाई, वो रही हमारी बस, उस बस में बैठ कर आए थे, सारी रात सोकर आए थे, और अभी ये क्या कर रहे हैं, जूस वूस पी रहे हैं। तो अभी चलेंगे बागेश्वर धाम, यहाँ से सीधा। देखो भाई मैं बागेश्वर धाम की बस ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर काफी बस है, वो हमारी बस है, इस बस में जाएंगे हम बागेश्वर धाम। देखो भाई छतरपुर कितना प्यारा है।
तो हम लोगों ने बस को रेस्टोरेंट बना लिया है और पीछे वाली सीट पर कब्जा किया है सभी लोगों ने। ठीक है आंटी जी, बाय बाय। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम मंदिर। ये इस गांव का नाम है गडा। यहाँ से है 6 किलोमीटर बागेश्वर धाम मंदिर। यहाँ पर हो गया भाई कच्चा रास्ता स्टार्ट। देखो भाई यहाँ पर लोग दे रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सारी व्यवस्था है। और लगता है यहाँ पर थोड़े दिनों पहले बारिश भी हुई है, इतना पानी भर गया यार यहाँ पे। जय बागेश्वर धाम। अच्छा उधर दरबार है, इधर मंदिर है। ठीक है तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धाम के पास। देख सकते हो यहाँ पर धूप धूप हो रहा है और पीछे ठहरने की व्यवस्था है। और देखो भाई काफी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर। और देखो भाई ठहरने की यहाँ पे व्यवस्था है। अभी हमें पता चला है कि ये है उनका नया दरबार। यहाँ पर बाबा जी बैठते हैं 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। अभी तो 10 बज रही है तो हम स्नान करके पहले मंदिर में जाएंगे, बालाजी के दर्शन करेंगे और फिर आएंगे वापस। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस प्रकार से अपने घर से लेकर बागेश्वर धाम तक आए। पूरी यात्रा आपने देखी। स्नान उनान करेंगे तो उसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगे तो फिर एक और नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सारा कार्यक्रम दिखा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।